आपकी दोस्त आयशा और आज हम बनाने जा रहे हैं चने की भाजी, चने या छोड़ की भाजी। ये चने की भाजी इन्हीं दिनों में आती है सर्दियों में और उसके अलावा पूरे साल में नहीं आती, तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो है चने की भाजी, जिसको हमने तोड़ के छोटे छोटे तोड़कर और साफ करके उनको अच्छे से रखली धोकर, इसमें इलाड़ रहती है इसलिए इसको बहुत ध्यान से तोड़िएगा। और लहसुन, अदरक, खड़ी लाल मिर्च और नमक। तो सबसे पहले हम लोग चने की भाजी को साफ करके रख लेंगे और इसके बाद लहसुन, अदरक और मिर्च को हम दरदरा बिल्कुल मोटा मोटा पीस लेंगे इससे। तो अभी हमने इसको दरदरा पीस के मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन अदरक को दरदरा पीस कर रख लिया। अब दूसरी साइड हमने गैस कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल तकरीबन गरम हो गया हमारा, अब इसमें हम डालेंगे मसाला। वो इसको अच्छे से भूनेंगे, हम पानी डाल डाल के भूनेंगे ताकि जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए। ये देखिए ये भून रहा, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। अच्छे से भून जाए और जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें भाजी डालेंगे। तो बहुत अच्छे से भूने और तब इसमें चने की भाजी डालिए। अब फ्रेंड्स ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया, अब इसमें हम डालेंगे चने की भाजी। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। बहुत अच्छे से करके और इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी जरूरी क्योंकि इसकी डंडियां बहुत कड़क रहती है, इसको गलाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हम मेथी पालक इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसमें हमें पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और हम लोग पानी डालेंगे, हम लोग पानी डालेंगे एक से डेढ़ कप। देखिए पानी बहुत जरूरी, अच्छे से मिक्स करके पानी डालकर और हम इसको गलने के लिए ढक कर सिम पे रख देंगे। अभी हमारी भाजी तकरीबन 10-15 मिनट हमने रख दी अंदर की, ये भाजी पूरी तरह तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए खाने के लिए, वो बहुत टेस्टी लगता। गैस बंद कर दीजिए। देखिए हमारी पूरी तरह से भाजी तैयार हो गई।